झाट का जंतर चोली का तभी चाचा बहुत गया जंतर मंतर सर वहां जब से गर्मी का पड़ल बहांचो दार घूमले चले बंद बा हो गए बहांचो सर वहां गर्मी के पसीना मुंह में छोड़ के गार बाहर निकल आई ना सर वाला ओह का हो चुसन भैया काहे इतना गरमाइल है गरमाइल ने तो का करी बहन जो रोज रोज को मारत मार के चक्कर चोली में ओकर फाड़ जाता रोज रोज किन के लेवे पड़ा होता हमारा का हो चाचा मजावा तोहे न मारल दू इंच ना पई हमर जिंदगी खराब हो गई मजे के फेर में मार लागल अभी पीते पीते हमको आया बुखार मेहरारू के चक्कर में चाचा का फट गया घर रे अरुआ 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 रे एकरा मौसी के कब से चिल्लात बानी एक गान में लार बड़ा ठूस ले बोला ने का बोलो ले छोड़वा जा घर दिया जो दाना दस गोरे पैक फिल्म बना ले बा गर्दी समय सिगार लो मार लो हमारे गान हमारे साले दस गोरे रुपया चाहे मुंह गाया लेखा ना गार लानंदा अचुसन भाई हमर बेटवा के 10 रुपया सॉरी सॉरी तू अपन बेटवा के 10 रुपया काहे ना दिए है जानता है साला 10 रुपया लेता है जाके बिया भराता है सर चाचा चाचा तो फुलवा के लड़के सब देखे आए हो सर जाने दो फुलवा अब बेवफा हो गई है का हुआ प्यार नहीं करता था तू पता है एक दिन हम उसको भोर में पकड़े थे तो हल्ला करके सब लोगों को पिटोरने लग गया हमको पिटवा दिया भोर में चुमा लेने जाएगा तो लोग मरेगा नहीं सॉरी सॉरी भोर में चुमा लेने जाएगा तो छोड़ो तुम लोगों को हम एगो खिस्सा सुनाते हैं जो हमारे माल सुनाया करती थी मगई में सुनाती थी चुपचाप खिस्सा सुनना है तो खिस्सा सुनो हम फुलवा के चुची सॉरी उसका माथा सूख के छू के हम कसम खाए कि उसके विषय में किसी को गाली नहीं देंगे की बात है वो गांव में एगो बुढ़वा एगो बुढ़िया रहती थी और उसका एगो बेटा था और ताले बुढ़िया बीच में मर गई मरने के बाद का हुआ कि बुढ़वा को अब होने लगा बड़ा दिक्कत अब बुढ़वा को कोनो खाना बनाने वाला था नहीं तो बुढ़वा सोचा कि हम बेटवा को ब्याह कर देते हैं पर सोचने लगा कि अब हमारी तो बीवी रही नहीं अब हमको खाना बना के कौन खिलाएगा सेवा पानी कौन करेगा तो बुढ़वा अपना बेटा के लिए एगो लड़की देखना चालू कर देता है बुढ़वा को एगो लड़की मिलती है खूब सुंदर अपना बेटा के लिए अब वो अपना बेटा से ब्याह कर देता है लेकिन लड़कियां थोड़ा सा बुढ़वा का बेटा का तो ब्याह हो गया अब घर में कोई कमाने वाला था नहीं तो बेटा चल गया कमाने बाहर लेकिन बुढ़वा था बड़ा रसीला आदमी बुरा मिजाज का वो आदमी था अब पतोहिया पर तो लाइन मारने लगा बुढ़िया तो थी नहीं तले का हुआ कि उसका बाप आया और दिन धरा के चला गया अब बीच में अब बीतते बीतते समय काफी बीत गया बुढ़वा को तो कुछ कोई बना के खिलाने वाला था नहीं बीवी थी नहीं अब पतो नैहर चली गई थी अब बुढ़वा को रहा नहीं दिया बुढ़वा को भीतर भीतर खोज रहा मतलब सामान अब खोजना चालू कर दिया था तब तक ले का हुआ कि बुढ़वा का एक दिन मन बना कि नहीं अब जाते हैं उसके ससुराल अब पतोहिया का हम विदाई करा के लाते हैं ताले बुढ़वा एक दिन पहुंच गया ससुराल तब जाकर वहां से दिन भर बुढ़वा उसके घर रुका और शाम में वहां से औरतिया का पतोहिया का विदाई करा लिया अब शाम में आ रहा था नदी पार किया नदी के पास जब गांव में खेला तब उसके गांव में घुसते घुसते वो सरसों का तोला ना होता है जो झुन झुन बजता है अब सरसों के खेत में अब किसी तरह पतोहिया को पोला लिया जैसे भगवान खुश होते हैं अब पतोहिया को लेकर चल गया उस तोलिया में तब बुढ़ावा पतोहिया को पोल्हा के उ रहरिया में ससुरा में तो लेके चला गया सुनो कि अब ले जाके उ पोल्हा के तो काम कर रहा था और तब तक ले तुरिया बज रहा था झुन झुन थी अब तो बिया तो डरा गई तो बिया डराने के बाद पूछ रही है कि बाबूजी ये का बज रहा है झुन झुन ये अकेले खेत में बुढ़वा
गया कि अब तो पकड़ा जाएंगे। तो बुढ़वा बोल रहा है क्या, सुनो सुनो हाला मत करो, कहानी सुनो। तो बुढ़वा बोल रहा है का कि जानते हो हम लोग ये कामवा कर रहे हैं ना, तो भगवान ऊपर से देख के बड़ी खुश हो रहे हैं, झुनझुना बजा रहे हैं हम लोग को देख के। तब क्या हुआ कि बुढ़वा उसके बाद घर लेके आया, बुढ़वा जान गया था को कैसे मतलब पोटना है। एगो बगल में रोहरी था, उसमें एक दो महीना काम लगाया, तब तक ले अपना घर के पीछे अपना खेत में बोले ले था तोरिया। वो रोज उस बुढ़वा को मन करता था, रोज बुढ़िया को काम। चले एक दिन क्या हुआ कि बाहर से उस पतोहिया का मतलब बुढ़वा का बेटा आ गया कमा कर, आया दिन भर का काम निपटाया बेटवा का, मतलब रात हुआ बेटवा का भी लगा खोजने। वो इंतजार कर रहा था रूम में कि अब पतोहिया आएगी उसकी बुढ़वा के, तब पतोहिया बीच रूम में घुसी आई। अब बेटवा रात का कार्यक्रम चालू किया, एकदम टकाटक चालू कैले था। आ तब तक ले पतोहिया बोल रही है का, भगवान आप पर नाराज नहीं है, आपसे खुश नहीं है भगवान। बेटवा कह रहा है कि अरे आज क्या हो गया, क्या भगवान खुश नहीं है? तो पतोहिया बोल रही है का कि जब आपके बाबूजी ये कमवा करते हैं ना, तो भगवान खुश होके खूब झुनझुना जब आप कर रहे हैं ना, तो भगवान झुनझुना नहीं बजा रहा है, हम भी नाराज हो समझा। तब क्या हुआ है कि बुढ़वा पूछा तो पतोहिया बताई बाबूजी ऐसे ऐसे करते थे। तब बेटवा होकर कपार पर हाथ गया कि साला बुढ़वा बोल रहा है, सुना कहानी यारो खूब लुटाओ गड्डी, चाचा का फट गया चट्टी। थोड़ा दो तू जा लो कहां जे बोलो घामा में, बहुत गर्मी बा। सो जा लो, सो जा लो, सो जा लो, चलो बहुत गर्मी बा, सो जा लो। अब रोग लोग घर जाएं, चल चल।